हमारे रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज की हमारी कथा महान संत बाबा नीम करोरी महाराज जी की है। सभी भक्त ध्यान से सुने। इलाहाबाद में महाराज जी के पास दो व्यक्ति आए, जिसमें एक ने वकीली काला कोट पहन रखा था, दूसरे ने सादे कपड़े। बाबा जी ने उन्हें अपने सामने पाकर काला कोट पहने व्यक्ति से कहा, तू तो वकील नहीं है। उसने हामी भर दी और फिर दूसरे से कहा, वकील तो तू है, क्यों आई हो? तब वकील बोला, बाबा इसको कत्ल के केस में फांस दिया गया है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। इस पर बाबा जी ने काले कोट वाले से पूछा, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसने सूक्ष्म सा उत्तर दिया, नहीं बाबा। महाराज जी ने अब की जरा तेज आवाज में पूछा, क्या तेरा हाथ नहीं था कत्ल में? उसने सिर हिला कर हामी भर दी। बाबा जी आर्थ हो बोले, वह व्यक्ति तो बहुत सीधा था, क्यों मरवाया तूने उसे? बाबा, वह मेरी राह का रोड़ा बन गया था। तब महाराज जी और भी द्रवित होकर बोले, उसके बच्चे अभी छोटे हैं, कैसी परवरिश होगी उनकी? इस सार्वजनिक स्वीकार के बाद महाराज जी ने उस व्यक्ति से सबके सामने रोते हुए कान पकड़वा कर वचन ले लिया कि आइंदा वह ऐसा नहीं करेगा और मृतक के बच्चों की परवरिश में सहायता करेगा, इतना भर कोमल दंड। परंतु कानून के शिकंजे से मुक्ति। बाबा जी ने वकील से पूछा, किसकी अदालत में है मुकदमा? एक मुसलमान जज का नाम जानने पर बोले, जाओ सब ठीक हो जाएगा। दोनों प्रणाम कर चले। अलौकिक अर्थात से अनुदित शरणागत को कैसे तज सकते थे बाबा जी। परंतु यहाँ इस लीला में एक तो बाबा जी ने उनके छदम वेश का पर्दा सबके सामने फाश कर दिया, फिर उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को उसी के मुंह से स्वीकार करवा लिया, सबके सामने उसे उसका अपराध बोध करवाते, जिसके कारण वह गिलानी से अत्यंत लज्जित हो गया और अंत में सब उपस्थित जनता को भी स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, जान लेता हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं है और ना कोई छुपा सकता है। कहते भी रहते हैं, मैं सबकी एक एक सांस गिनता हूँ, मुझे बावला मत समझो और ना बनाओ। महाराज जी की यह कथा सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। महाराज जी की यह कथा जो भी भक्त सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सब संकटों से छुटकारा पा लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बाबा जी महाराज की जय बोलो। नमस्कार।